खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि 21 मार्च के शाम 5 बजे तक एसबीआई सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे, जिनमें भुनाए गए बॉन्ड की यूनिक अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल है तो उन्हें जारी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामे के संबंध में कहा गया कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करें जो उनके अधीन है, इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा। एक तरफ जहां चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि ये योजना राजनीति में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी और इसे रद्द करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से सवाल करते हुए पूछा कि कुल 20,000 करोड़ के टोटल बॉन्ड में से बीजेपी को करीब 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, बाकी के 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है। अमित शाह ने दो टूक कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा काला धन नहीं है, उन कंपनियों की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और बॉन्ड कितना दिया गया ये कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा, और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की दो लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल्स थी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक और।